Hello everyone, in this video we are going to discuss question number 4 of exercise 5.2. It says which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78. So, वो ये पूछ रहे हैं हमसे कि 78 कौन सी term पे आते, मतलब n क्या होगा इसका, जैसे हम बोलते हैं A15, A16, A17, तो यही हम जानना चाहते हैं ये कि कौन सी term है. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, n निकालना चाहते हैं. तो सबसे पहले वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास है क्या क्या. a है हमारे पास 3, दैट इज फर्स्ट टर्म. d है हमारे पास 8 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5. तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमारे पास an है 78. अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन की वैल्यू हमारे पास 78 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन हमें अननोन है और डी हमारा 5. सो 78 माइनस 3 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 5. सो 78 माइनस 3 इज 75, 75 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 5. अब 5 आप नीचे ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा, 75 ओवर 5 इक्वल एन माइनस 1. और 75 ओवर 5 क्या हो जाएगा आपको, इट विल बी 15. और 15 में जब आप 1 ऐड करोगे, जस्ट सेकेंड, यहां से जब माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो वो 16 हो जाएगा. तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 16. इससे हमें ये समझ आता है कि हमारी 16th टर्म 78 है. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.